नमस्कार दोस्तों, सैटरडे का दिन है और बैक टू बैक डबल हेडर मैचेस होने वाले हैं। आज का ये जो दूसरा मुकाबला है ये खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। अब भैया ये लखनऊ की बात करी जाए तो बैक टू बैक मैचेस इन्होंने जीते हैं, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स बैक टू बैक मैचेस हारने के बाद अपना लास्ट मैच जीती है अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। और ऐसे में ये जो 53rd मैच है ये होगा बेहद इंटरेस्टिंग। कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर टॉप फोर में आना है तो यहां से सभी मैचेस जीत रहे हैं, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को अपनी जगह बरकरार रखने के लिए यहां पर मैच जीतना बेहद जरूरी है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में ये मैच खेला जाने वाला है। 10 मैचेस ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, 7 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं, तो 3 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट 3 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। हाईएस्ट स्कोर रहा है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का 211 रन और लोएस्ट स्कोर है पंजाब किंग्स का 73 रन। टोटल विकेट्स अगर हम देखें तो 119 चटकाए जा चुके हैं 10 मैचेस में, यानी कि बॉलर्स के पास काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है पुणे के इस ट्रैक पर। टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहां पर एक मैच खेला है, पंजाब किंग्स को 20 रनों से रदेड़ा था, 8 विकेट चटकाए थे इस मैच में। सक्सेसफुल बल्लेबाज रहे थे क्विंटन डिकॉक 46 रन के साथ, और सक्सेसफुल गेंदबाज थे मोहसिन खान जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए थे। बात करी जाए कोलकाता नाइट राइडर्स की तो इन्होंने इस ट्रैक पर एक मैच खेला हुआ है, मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया था, टोटल 4 विकेट चटकाए थे इस ट्रैक पर। सक्सेसफुल बल्लेबाज रहे थे पैट कमिंस जिन्होंने 56 रन बनाए थे, धाकड़ बल्लेबाजी करी थी इस मैच में, तो वहीं सक्सेसफुल गेंदबाज थे वंस अगेन पैट कमिंस विद 2 विकेट्स। कमिंस का मुंबई के खिलाफ ये धमाकेदार प्रदर्शन रहा था, हालांकि ओवरऑल अगर हम देखें तो कमिंस इस सीजन मोस्टली फ्लॉप नजर आए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की, लेकिन उससे पहले आईपीएल बोनांजा का हमारा सबसे पहला सवाल दोस्तों, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में वो कौन सा गेंदबाज होगा जिसके सबसे ज्यादा होने वाले हैं फैंटेसी पॉइंट्स? आंसर जरूर दीजिएगा, लेकिन दूसरे सवाल के बाद बढ़ते हैं दोनों टीम्स की ओर। बात करते हैं पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की। भाई लास्ट 5 मैचेस की अगर हम समरी देखें तो दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने अपने आखिरी मैच में हराया था 6 रनों से, उससे पहले पंजाब किंग्स पर जीत दर्ज कर चुके हैं 20 रनों के साथ, हराया है मुंबई इंडियंस को 38 रनों से। छोटा सा झटका जरूर लगा था यहां पर आरसीबी के नाम का 18 रनों पे, वहीं एक बार फिर मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज करी थी 18 रनों से। तो ये है लास्ट 5 मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स का लेखा जोखा। बढ़ते हैं प्लेइंग 11 की ओर। भाई केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बनोनी, कृणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, जेसन होल्डर, ऑल्सो दुष्मंता चमीरा, काफी डीप बैटिंग लाइनअप हमें नजर आता है। और जहां तक बात है गेंदबाजों की तो मोहसिन खान यहां पर वापसी करते दिखाई दे सकते हैं, रवि बिश्नोई, दुष्मंता चमीरा, जेसन होल्डर, कृणाल पांड्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ओवरऑल टीम काफी ज्यादा सेट नजर आती है यहां पर। लखनऊ सुपर जायंट्स के की प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो केएल राहुल ने 10 मैचेस में 451 रन बनाए हैं 145 के स्ट्राइक रेट से। लास्ट मैच में ये ज्यादा अच्छी पारी खेलते नजर तो नहीं आए थे, लेकिन बात करें अगर क्विंटन डिकॉक की तो ये भी पीछे दिखाई नहीं देते। डिकॉक और राहुल की साझेदारी बेहद इंपॉर्टेंट है अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को यहां पर हराना है तो। डिकॉक ने 10 मैचेस में 294 रन बनाए हैं 134 के स्ट्राइक रेट से। बात करी जाए दीपक हुड्डा की तो 279 रन 10 मैचेस में इनकी झोली में आए हैं, एक विकेट भी चटकाया है, 131 का स्ट्राइक रेट रहता है दीपक हुड्डा का इस सीजन में। तो दोस्तों ये 3 बल्लेबाज आपके दिमाग में डेफिनेटली होने चाहिए, साथ ही साथ आयुष बडोनी भी टीम में मौजूद है जो कि एक यंग खिलाड़ी है, अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़ी हिट्स लगाना जानते हैं, एंड दैट मींस लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक अच्छी फायर पावर मौजूद है। कृणाल पांड्या इज ऑल्सो अ बिग हिटर, 10 मैचेस में 128 रन इन्होंने बनाए हैं 143 के स्ट्राइक रेट से और 9 विकेट भी चटका चुके हैं, हालांकि गेंदबाजी में थोड़े महंगे जरूर साबित हुए हैं। यहां पर अगर गेंदबाजी की बात हुई है तो मोहसिन खान की बात कर लेते हैं। भाई 4 मैचेस में 8 विकेट चटका चुके हैं, इकोनॉमी रही है इनकी 6.07 की, और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिलता है दुष्मंता शमीरा का जिन्होंने 8 मैचेस में 8 विकेट चटकाए हैं 8.23 की इकोनॉमी के साथ। तो दोस्तों ये हैं कुछ ऐसे प्लेयर जो कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड बात करी जाए अगर कोलकाता के नाइट्स की तो भाई लास्ट 5 मैचेस की समरी देख लेते हैं। एक मैच इन्होंने जीता है अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट से, तो वहीं उससे पहले 5 मैचेस बैक टू बैक ये हारे हैं, दिल्ली कैपिटल्स से 4 विकेट के साथ, गुजरात टाइटंस ने हराया था इन्हें 8 विकेट से, राजस्थान रॉयल्स हरा चुकी है 7 रन से, और सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स पर जीत दर्ज करी थी। तो लास्ट मैच में राजस्थान को हराने के बाद डेफिनेटली कोलकाता नाइट राइडर्स का हौसला बुलंद हुआ होगा। प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो यहां पर टीम में बड़े नाम तो डेफिनेटली मौजूद है, बट यहां पर वेंकटेश अय्यर की वापसी हो सकती है, बाबा इंद्रजीत कुछ
अच्छा परफॉर्म करते दिखाई नहीं दिए थे। एरन फिंच, सुनील नारायण दोनों से ही ओपनिंग की उम्मीद करी जा सकती है। अगर वेंकटेश अय्यर आते हैं तो एक बार फिर दारोमदार होगा टॉप चार बल्लेबाजों पर। श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर 10 मैचेस में 324 रन जड़ चुके हैं 131 के स्ट्राइक रेट से। मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर नीतीश राणा का अच्छा सपोर्ट मिलता है, 10 मैचेस में 248 रन बनाए हैं, 140 का स्ट्राइक रेट है, एंड दैट मींस ये दो बल्लेबाज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। एरन फिंच हाल फिलहाल बल्ले से कुछ कमाल दिखाते नहीं दिखे हैं, विच इज अ लो पॉइंट फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। एंड अगेन सुनील नारायण, दोस्तों ये एक ऐसे ऑलराउंडर है जो कि बैकबोन है कोलकाता नाइट राइडर्स के। हाल फिलहाल अगर हम देखें तो बल्ले से कमाल दिखा नहीं रहे हैं, बट गेंदबाजी में इनकी इकॉनमी सॉर्टेड रहती है। आंड्रे रसल की अगर हम बात करें तो भाई 10 मैचेस में 227 रन बना चुके हैं, 175 का स्ट्राइक रेट रहता है और 10 विकेट भी चटका चुके हैं। एज एन ऑलराउंडर ये आपकी टीम में डेफिनेटली होने चाहिए इन योर फैंटेसी 11 टीम। रही बात गेंदबाजों की तो भाई यहां पर उमेश यादव टीम के लीडिंग विकेट टेकर है, 10 मैचेस में 15 विकेट ले चुके हैं, 7.15 की इकॉनमी है और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिलता दिख रहा है। टिम साउदी का 5 मैचेस में 10 विकेट ले चुके हैं, 7.85 की इकॉनमी रहती है। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसे 5 खिलाड़ी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से लखनऊ सुपर जायंट्स को करारा जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक फाइनल कंक्लूजन तो निकलता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ज्यादा वेल बैलेंस्ड टीम है, दे हैव गुड सेट्स ऑफ बैटर्स एंड बॉलर्स जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर सकते हैं और इस मैच में पल रहा तो डेफिनेटली लखनऊ सुपर जायंट्स का भारी नजर आता है। अब आ जाते हैं आईपीएल बोनांजा के हमारे आखिरी सवाल पर। भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर वो कौन सा प्लेयर होगा जो कि मैन ऑफ द मैच होने वाला है, जवाब जरूर दीजिएगा दोनों का एक साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।